हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इनका रियल नाम क्या था। इनका रियल नाम था फरीद। ही वॉज बॉर्न टू हसन एंड हासीपुर, ये इनके पेरेंट्स के नाम थे। देन ही ज्वाइंट बाबर खान लोहानी सर्विस एंड देन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। इन्होंने ज्वाइन की लोहानीस की सर्विस, उसके बाद डिप्टी गवर्नर बन गए बिहार के। धीरे धीरे गद्दी पर भी बैठ गए विद द टाइटल ऑफ हजारत ही आला। लेकिन देखिए, जो ये चीज़ है ये इनकी अर्ली लाइफ के बारे में है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं शेर शाह सूरी के वो स्टार्ट होते हैं। वैसे इनका नाम शेर खान था। ठीक है, सबसे पहले हुई बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। हुमायूं यहाँ पे हार गए एंड शेर शाह सूरी कैप्चर चौसा फ्रॉम हुमायूं। तो चौसा को कैप्चर कर लिया हुमायूं से शेर शाह सूरी ने। अब इनका एरिया जो है वो बंगाल से बनारस तक हो गया था। ठीक है, सेकंड आती है बैटल ऑफ कन्नौज। देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि शेर शाह सूरी एक ऐसा टॉपिक है ना कि जिसपे हम ज़्यादा पढ़ते हैं नहीं, और अगर क्वेश्चन आ गए फिर हम सोचते हैं अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना। तो हमें ध्यान रखना है हर एक चीज़ का। हम बात कर रहे थे बैटल ऑफ कन्नौज की, तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुई थी। यहाँ भी हुमायूं हार गए एंड देन शेर शाह कैप्चर्ड कन्नौज फ्रॉम हुमायूं, राइट। थर्ड बैटल इनकी लाइफ की बैटल ऑफ समेल थी 1544 में। डिफीटेड राजपूत फोर्सेस ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के जो राजपूत थे उनको इन्होंने हरा दिया। देन लास्ट कैंपेन ऑफ इज लाइफ, इनकी ज़िंदगी का लास्ट अभियान क्या था, द कैंपेन ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की ओर अभियान जो गया। बट उसके बाद देखिए, 1544 में बैटल हुई और 1545 में इनकी डेथ हो गई थी। ये आग में जल के जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इनकी लाइफ के बारे में तो देखिए इतना ही है। अब अगर हम आगे चलें और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानें तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं इनके प्रशासन के बारे में। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि काम काज कैसे चलता था वहाँ पे। ठीक है, तो जो इनका पूरा का पूरा एम्पायर था वो 47 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ठीक है, अब जो ये प्रोविंसेस हैं ये फर्दर परगना जो है, प्रागनास होते हैं, इनमें डिवाइडेड थे। और एक प्रागना जो है वो बहुत सारे विलेजेस के मिलकर बना होता था। जो ये प्रोविंसेस होते थे इनके हेड होते थे सरकार, और जो प्रागना होते हैं इनके बारे, इसके बारे में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, तो बस इसी के बारे में पढ़ते हैं। प्रागना का हेड होता था शिकदार। अब शिकदार का काम क्या है, लॉ ऑर्डर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रागनास टू मेंटेन। यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे, ये आई थिंक छूट गया मुझसे लिखना, टू मेंटेन लॉ ऑर्डर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रागना। लॉ, कानून, एक प्रॉपर डेकोरम, जनरल सा जो प्रशासन है वो सारा का सारा संभालता था शिकदार। और क्या होते थे प्रागनाज में, अमील और मुंसिफ भी होते थे। लुक्ड आफ्टर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ उसके कलेक्शन का ध्यान रखना अमील या मुंसिफ का काम था। आगे अगर बात करें तो इसमें कुछ अमीन होते थे, कुछ काजी होते थे। अमीन जो है वो सिविल केसेस को देखते थे, जो काजी होते थे जिन्हें मिनी अदल कहा जाता था वो क्रिमिनल केसेस को देखते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रशासन। अब यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इनका पूरा एम्पायर कितनी प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, 47। अमील कौन थे, अमीन कौन थे, काजी कौन था, शिकदार कौन था, ये आ सकते हैं, है ना। आने को तो अब एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट मेरी हमेशा की तरह यही रहेगी, पेपर पेन हाथ में लें और नोट्स बनाते रहें। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, स्टार्टिंग में जो इनकी अर्ली लाइफ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके बाद जो बैटल्स आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है सेंट्रल डिपार्टमेंट्स। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट थे इनके टाइम में, जैसे दीवानी वजारत है, दीवानी अरीज है, दीवानी इंशा है, दीवानी रसालत है, तो कौन से डिपार्टमेंट का क्या नाम था वो अब हम जानेंगे। जैसे दीवानी वजारत कहा जाता था रेवेन्यू एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट को, राइट। फिर उसके बाद आता है दीवानी अरीज कहा जाता था मिलिट्री डिपार्टमेंट को, डिस्पैच डिपार्टमेंट को दीवानी इंशा, और कॉरस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट को दीवानी रसालत कहा जाता था। तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है कमीशन का, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। तो देखिए, दो तीन तीन चीज़ें हैं हर एक चीज़ के बारे में, अगर आप नोट्स बना लेंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगा। रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो लैंड वॉज मेजर्ड यूजिंग सिकंदरी गज। सिकंदरी गज इस चीज़ के थ्रू जो है लैंड को मेजर किया जाता था। 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस वॉज फिक्स्ड एज टैक्स। 1/3 जो जितनी भी एवरेज प्रोडक्शन हो रही है उसका जो 1/3 है वो टैक्स देना पड़ता था किसानों को। जमींदारी सिस्टम जो है इसे रिमूव किया गया था एंड टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड। डायरेक्ट जो है किसानों से टैक्स लिए जाते थे, और जो ये जमींदारी सिस्टम था ये बंद ही कर दिया गया एक तरह से। नेक्स्ट आता है सम अदर फैक्ट्स, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट।
ओके, सबसे पहले है इंट्रोड्यूस्ड अ रेगुलर पोस्टल सर्विस. एक रेगुलर इन्होंने पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस की. इंट्रोड्यूस सिल्वर रुपया, ये इंट्रोड्यूस किया. प्रमोटेड ट्रेड एंड कमर्स, जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसको प्रमोट किया. कैसे? बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कस्टम ड्यूटी, जो टैक्स लगता है ना आने जाने पे, सामान को लाने और ले जाने में, उस पर कम कर दिया अमाउंट. तो इससे क्या हुआ, ट्रेड बढ़ गया. बिल्ट पुराना किला, ये क्वेश्चन आ सकता है. ही ऑल्सो बिल्ट हिज ओन टॉम एट सिसारम इन बिहार, अपना टॉम खुद बनाया था सिसारम बिहार में. पद्मावत, जो आपने मूवी भी अभी बनी थी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, आप सभी ने देखी होगी. तो जो पद्मावत है ना, पूरा मतलब लिटरेचर है हिंदी में जो लिखा गया था, रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी. मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था ड्यूरिंग हिज रियान, शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड में. तो देखिए कितनी पुरानी स्टोरी है वो, जो अब हमने मूवी में देखी है, है ना. नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन. जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इम्प्रूव किया. कैसे? बाय बिल्डिंग रोड्स, रोड्स बनाकर, रोड्स के साइड में सराएं भी बनाई. और जो रोड्स बनाए थे ना शेर शाह सूरी ने, उन्हें कहा जाता था आर्टरीज ऑफ द एम्पायर. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. फिर तारीख ही शेरशाही, बाबर नामा पढ़ा, अकबर नामा पढ़ा, आलमगीर नामा पढ़ा. तो तारीख ही शेरशाही, मतलब इनके लाइफ के बारे में भी किसी ने लिखा होगा. तो किसने लिखा था? इट वॉज रिटन बाय अब्बास खान सरवानी. हिज कोर्ट हिस्टोरियन, इनके ही कोर्ट के दरबार के इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था. ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, टॉपिक कैसा लगा. प्लस इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी. अभी तक मैंने पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोज़ कंप्लीट कर दी है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं. प्लस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है. जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे. सो दैट्स इट गाइज, एंड सी यू सून.